मतलब काफ़ी लोगों का अभी तक यही डाउट बना रहा है कि भाई अगर YouTube पैसा देता है तो कैसे देता है। तो मैं आज आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और कैसे देता है और क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर आप जो वीडियो देखते हो उसमें आप देखने से पहले उस पर क्लिक करते हो, या फिर उसके बाद या फिर बीच में कहीं एड आते हैं, जैसे एड आते हैं उसमें कुछ भी स्पॉसिफाई जैसे कुछ भी बताते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग का कुछ भी बताए, तो उसमें क्या है कि 55% यूट्यूब लेता है और 45% जो यूट्यूबर है जिसकी वीडियो है उसको उसका पैसा देता है 45%। और जो बीच में फेस्टिवल आते हैं जैसे होली दिवाली राखी जो भी फेस्टिवल आते हैं क्रिसमस, इन पे एड ज़्यादा आने लगते हैं। तो एड ज़्यादा आने से जो यूट्यूबर है उसकी कमाई भी ज़्यादा होने लगती है। और दूसरा तरीका ये कि स्पॉन्सरशिप, जब उसका चैनल यूट्यूबर का मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद उसको स्पॉन्सर मिलती है, मतलब यानी कि बीच में बोलने का मिलता है कि भाई आप मेरे इस आपके चैनल पर आपके वीडियो में मेरा जो ऐप है वो बताओ, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो उनके बीच में जो आपस की बात होती है वो आपस में बात कर लेते हैं और फिर वह स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद उनको पैसा दिया जाता है, उनके अकाउंट में डाल देते हैं और वह वीडियो में बता देते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस है अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। तो यूट्यूब कुछ इस प्रकार से पैसे देता है, यानी कि जो गूगल अकाउंट से जुड़ना पड़ता है यूट्यूब का, जो आपका चैनल 1,000 के सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम जब पूरा हो जाता है तो गूगल एडसेंस का एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें आपकी यूट्यूब मनी ऐड हो जाती है और आपके हर महीने में नए अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर आती है। इसी टाइप पर कुछ यूट्यूब आपकी अर्निंग देता है, तो आपको वीडियो किस